देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। सिद्धार्थ नगर जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने डुमरियागंज लोकसभा चुनाव की शुरुआत की। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंशी ने भी शिरकत की। विजय लक्ष्य सम्मेलन में पहुंची भारी भीड़ से गदगद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कांग्रेस सपा बसपा पर प्रहार किया और मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए इस बार 73 से भी ज्यादा सीट यूपी से जीतने की बात कही। साथ ही महेंद्र नाथ पांडे ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देश द्रोह को बढ़ावा देने वाला बताया। दोहराएंगे नहीं, उससे आगे बढ़ के दिखाएंगे। आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा, एक विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन था केवल लोकसभा का और इतनी बड़ी रैली का रूप ले लिया। आज पूरे प्रदेश की देश की हालत है प्रचंड गर्मी में, और इस प्रचंड गर्मी में 73 प्लस का नारा है, हम उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस जिस गरीबी के कल्याण की बात कर रही है उसके जाप करते उसे 60 बरस सरकार चलाते हुआ, और तब उसे ध्यान नहीं था, 5 बरस में वो गरीब देख चुका है कि उस गरीब के दरवाजे 5 बरस में 7-8 योजनाएं लेकर के नरेंद्र मोदी आए और प्रत्येक गरीब को 1 वर्ष में 1,06,000 तक की योजनाओं का लाभ पहुंचाए, और आवास उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास, इसलिए उनके सारे तोते उड़ गए हैं। और इस नाते से आज एक गरीब भाजपा के साथ है, उसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी हमारा कल्याण कर सकते हैं, उस घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं। हाँ, उस घोषणा पत्र में ये देशद्रोह को जो बढ़ावा देने वाली बात की गई, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।